तो दोस्तों भाई हम बात करेंगे आलोक इंडस्ट्रीज़ के स्टॉक के बारे में। आलोक इंडस्ट्रीज़ के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे हम। अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो देखेंगे जो स्टॉक है ये हमको मार्च से यहाँ पर लगातार क्लियर अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार हायर हाई हायर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन आज हमको यहाँ पर स्टॉक में 11.17% की यहाँ पर एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। गिरावट के बावजूद जो स्टॉक है वो यहाँ पर अपने सपोर्ट लेवल के ऊपर यहाँ पर टिका हुआ है। स्टॉक में 18.20 का पहला यहाँ पर सपोर्ट लेवल है। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में एक बड़ी गिरावट एक हैवी सेलिंग यहाँ पर अगेन देखने को मिल सकती है। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक में 17.15 इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 16 और अगर स्टॉक यहाँ पर इसको भी ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में 14.80 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे एज अ नेक्स्ट टाइप ऑफ सपोर्ट। वहीं यहाँ से अब अगर स्टॉक में रिकवरी आती है तो यहाँ से अब रिकवरी कंडीशन में हमारे पास स्टॉक पर 19.30 का पहला यहाँ पर रजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक में 22.15 और अगर यहाँ पर स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में 25 इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 27-30 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज अ नेक्स्ट टाइप ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग की सलाह नहीं है। वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।